हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं जो है मेरी बाइक में थोड़ा सा साइड से ऑयल लीक हो रहा था, तो मुझे डाउट लगा कि ये जो चेन वाली साइड है इसमें से ऑयल लीक हो रहा होगा, और यहाँ से ये वाली सील जो है यहाँ से ऑयल लीक नहीं हो रहा था। एक्चुअली ऑयल लीक हो रहा था ये वाली जो सील है इस तरफ से, बस ऑयल लीक होने का कारण ये था कि जो मैंने इंजन ऑयल साइड में चेक नहीं करा, मुझे डाउट लगा कि सील कट रही होगी, इस वजह से यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा ऑयल इकट्ठा हो रखा है। तो मुझे डाउट लगा कि ये जो सील है ये कट गई होगी, और एक्चुअली में रीज़न ये था। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारे इंजन ऑयल, हम जब गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा इंजन ऑयल भर देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको टाइमिंग चेन दिख रही होगी, तो ये जो टाइमिंग चेन के यहाँ से ऑयल होता हुआ इस सील के बाहर निकल जाता है। अगर आपकी सील कटी हुई है तो ये जो ऑयल सील है यहाँ से आपको ऑयल निकल के ये आपकी ये मैग्नीटो वाली चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से बाहर निकलने लगता है। तो हमें डाउट होता है कि यहाँ से ऑयल जो है लीक नहीं हो रहा हो। तो यहाँ पे जो ऑयल सील थी वो मैंने अभी रिप्लेस कर दी है। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आपने आपके यहाँ से इस वाली जगह से इस वाली साइड से अगर ऑयल लीक हो रहा है, इंजन ऑयल लीक हो रहा है, तो फिर आपको एक बार अपना इंजन ऑयल का लेवल ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मेरे इंजन ऑयल का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था, मैंने उसको टॉप अप किया था, तो इंजन ऑयल का लेवल काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से यहाँ से ऑयल जो है बाहर निकल के गिरने लग गया था। तो फिर भी मैंने ऑयल सील इसकी जो है घिस गई थी, तो मैंने जो ऑयल सील है उसको चेंज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो है ये जो ऑयल सील है ये इसके ऊपर चढ़ी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें दो ऑयल सील होती हैं, ये आपका स्प्रैक क्लच का यानी वन वे क्लच का, ये आपके जो आपकी मोटर होती है इससे स्प्रॉकेट चढ़ा होता है, इसको घुमाता है, तो इसमें दो सील लगी होती हैं, एक तो अंदर की तरफ जो आपने देखा होगा और एक यहाँ पे ये ऑयल सील होती है। तो अगर इनमें से कोई सी भी ऑयल सील अगर लीक होगी तो आपका ऑयल लीक होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसको तुरंत दोनों ऑयल सील को मैंने चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जो है इंजन के इस वाली साइड से अगर ऑयल लीक हो रहा है, तो आप सबसे पहले अपना ऑयल इंजन ऑयल का लेवल चेक करें। अगर वो ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो समझ जाए कि वही उसी वजह से इंजन ऑयल लीक कर रहा है। और दूसरी बात, अगर आपने कम से कम अगर आपने 60-70 हज़ार किलोमीटर आपकी बाइक चल गई है और उसके बाद आपको ऑयल जो है नज़र आ रहा है, 50-60 हज़ार आपकी बाइक चल चुकी है, ऑयल नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ये ऑयल सील कट गई हो, तो इसको चेंज करें और वापस इंजन को असेंबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंजन ऑयल के लीक को आप इस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।